फ्रेंड्स, आई एम योर समीरा अजीज फ्रॉम सऊदी मीडिया एंड आई एम अ चेयरपर्सन ऑफ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज। और आज मैं आई हूँ आपके लिए अपने फेवरेट एक्टर आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा का फिल्म रिव्यू लेकर। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ एक्टर आमिर खान की बड़े पर्दे पर तकरीबन 4 साल के बाद वापसी हो रही है। बॉलीवुड मूवी लाल सिंह चड्ढा जो है वो हॉलीवुड की फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक है। तो जनाब, मैं गई इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ बड़े जोश व खरोश से देखने। इस फिल्म का जो सबसे अच्छा डायलॉग है वो मुझे ये लगा कि जिंदगी गोलगप्पे की तरह है, पेट भरता है दिल नहीं। इसकी वजह ये है कि गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है। गोलगप्पे तो मिले नहीं सिनेमा हॉल में, लेकिन हाँ, आमिर खान की अदाकारी देख कर मैं गोलगप्पों को ज़रूर भूल गई। उनकी अदाकारी में आप खो जाएंगे। मज़ा आ गया, पैसा वसूल। मॉल में, सिनेमा हॉल में जाने से पहले मैंने गोलगप्पे तलाश करने की भरपूर कोशिश की। ये देखें, लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम का रीमेक ज़रूर है, जिसमें टॉम हैंक्स ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। 1994 की ये वो हॉलीवुड मूवी थी जिसने 13 ऑस्कर की नामजदगियाँ हासिल की थी, 6 अवार्ड्स जीते थे और बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन फिल्म एडिटिंग, बेस्ट पिक्चर, विजुअल इफ़ेक्ट्स और स्क्रीन प्ले, इन सब के लिए इनको अवार्ड्स और नामजदगियाँ ज़रूर मिली। लेकिन आप लाल सिंह चड्ढा देखेंगे तो आप कह उठेंगे कि आमिर खान टॉम हैंक्स से बेहतर अदाकारी कर सके हैं। इस फिल्म में आप देखेंगे कि आमिर खान परफॉर्म बेटर देन टॉम हैंक्स इन दिस रीमेक। ऐसा मैं क्यों सोच रही हूँ ये मैं आपको ऑब्वियसली बता ही दूंगी अभी कुछ देर में। जब मैं लाल सिंह चड्ढा देखने जा रही थी तो मुझे मालूम था कि ये एक बॉलीवुड मूवी है और मैं किसी हॉलीवुड मूवी को देखने नहीं जा रही थी। मैं टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गम को देखने नहीं जा रही थी। हम बॉलीवुड फ़ैन हैं और हमारी एंटरटेनमेंट की तशफ़ी जो है वो बॉलीवुड वे में ही होती है। मतलब कि बॉलीवुड फैंस को चाहिए है अच्छे गाने, जज्बात, अच्छी स्टोरी और ऑब्वियसली अच्छी एक्टिंग। टॉम हैंक्स की जो हॉलीवुड मूवी थी द फॉरेस्ट गम्प, उसमें अमेरिकन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया था, जबकि लाल सिंह चड्ढा एक बेहतरीन अडेप्शन था इंडियन वे में बॉलीवुड मूवी के तौर पर द फॉरेस्ट गम का, जहां पर इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया था। तो बस ये देखकर दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया, नॉलेज में भी इजाफा हुआ और एंटरटेनमेंट भी मिली। और एंटरटेनमेंट के ज़रिए तारीख में झांकने के इस सफ़र में फिल्म इंडस्ट्री से किसी ऐसे नुमाइंदे की ज़रूरत थी जो इंडिया को आलमी तौर पर रिप्रेजेंट कर सके। इसके लिए आमिर खान को जो बेहतरीन फिल्मी शख्सियत नज़र आई वो थे शाहरुख खान, और वैसे भी शाहरुख खान उनके दोस्त भी थे। तो इस तरह जनाब, शाहरुख खान के कैमियो अपेरेंस ने लाल सिंह चड्ढा में लगा दिए 4 चांद। और हाँ, चांद जैसे चेहरे वाली करीना कपूर ने भी किसी को मायूस नहीं किया। फिल्म में करीना कपूर हमेशा की तरह बहुत हसीन नजर आईं, मज़ा आया। उन्होंने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया, जो किरदार था वैसी ही लगी, और उनकी तो क्या बात है, वो हमेशा ही अपने ऑडियंसेस को ना उम्मीद नहीं करती हैं, नाराज़ नहीं करती हैं, और उनकी खूबसूरती तो परमानेंट है। तो ऐसे ही वो चमकती दमकती रहेंगी और आमिर खान के साथ हम सबको यूं ही एंटरटेन करती रहेंगी और दिलों को खुश करती रहेंगी। हाँ, इसके अलावा फिल्म में नागा चैतन्या थे, मोना सिंह थी, परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा उनकी अदाकारी को देखकर। यूं कहने के फिल्म में परफॉर्मेंसेस की एक बेस्ट ट्रीट हम सबको मिली। नागा चैतन्या साउथ इंडिया के जाने माने अदाकार हैं और उन्होंने जो नेचुरल एक्टिंग की और उसमें जो कॉमेडी का आंसर था उसने सबको एंटरटेन किया, सबको महसूस किया। मोना सिंह इस फिल्म में एक समझदार, सुलझी हुई और स्ट्रॉन्ग मदर होने की हैसियत से तमाम माओं को एक सबक सिखा गईं। अतुल कुलकर्णी ने इस हॉलीवुड फिल्म को बॉलीवुड वर्जन में ढाल कर लिखा
और बहुत खूब लिखा, और अद्वैत चंदन ने इसको डायरेक्ट किया तो बहुत कमाल का डायरेक्ट किया। फिल्में बहुत मेहनत से बनती हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ बनती हैं और उनको सराहा जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर वो आमिर खान की फिल्में हों तो वो सोसाइटी के अच्छे के लिए होती हैं, सोसाइटी की तामीर के लिए होती हैं। उनकी फिल्मों में एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी ज़रूर होता है, और यही आमिर खान की फिल्मों का खासा है। और मुझे भी आमिर खान की फिल्में इसीलिए बहुत पसंद हैं। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान ने एक मासूमियत को दिखाया है। हम जिंदगी की भाग दौड़ में जीना भूल जाते हैं और जीने का असल मकसद और मायने खो देते हैं, जो इस फिल्म में करीना कपूर का किरदार है। इनफैक्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा में पॉजिटिविटी के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग मनफियत के नज़रियात के हामिल होते हैं, नेगेटिव सोच के हामिल होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। जो लोग इस बात को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रीमेक क्यों है, रियल और यूनिक टॉपिक क्यों नहीं है, तो जनाब आमिर खान को हर तरह के तजुर्बात करने दें। वो एंटरटेनर हैं और वो आपको हर तरीके से, हर जाविए से और हर एंगल से एंटरटेन करते हैं, तो उनको ये नए नए तरीके आजमाने दें और बस आप उनको सराहें, उनकी फिल्म देखने जाएं। बहुत से लोगों ने बायकॉट किया, मुझे समझ नहीं आया कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कोई नेगेटिविटी होती है। तो जो बायकॉट करने वाले हैं वो ये नेगेटिविटी लाकर दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, दुनिया से पॉजिटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं। जनाब वैसे ही बहुत स्ट्रेस का दौर है, तो एंटरटेनमेंट को बदमजा मत कीजिए। वैसे भी आमिर खान के स्टारडम को इस किस्म के बायकॉट से 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। फैन खुश हैं क्योंकि कोरोना के दौर में भी फिल्म को ठीक ठाक कलेक्शन मिला है। सब कुछ छोड़िए, फिल्म लाल सिंह चड्ढा की ऑस्कर अवार्ड्स ने भी तारीफ की है और उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल में एक वीडियो शेयर किया है। ऑस्कर के ऑफिशियल हैंडल में फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर और कई वीडियोस और फोटोज शेयर किए गए हैं। अब ये बात तो सोचने की है कि जब ऑस्कर ने अपने ऑफिशियल पेज पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा को सपोर्ट किया है और हॉलीवुड मीडिया ने भी लाल सिंह चड्ढा को पसंद किया है, तो फिर अब तक ये स्पैमर्स और हेटर्स लाल सिंह चड्ढा फिल्म के खिलाफ जहर क्यों उगल रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। जैसा कि मैंने इस वीडियो के आगाज में कहा, टॉम हैंक्स शायद एक अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में आमिर खान का उसी किरदार में अगर टॉम हैंक्स से मुवाजना किया जाए तो आमिर खान की परफॉर्मेंस टॉम हैंक्स से भी कई ज़्यादा आगे निकली हुई नज़र आती है। सच तो ये है कि अगर हम बॉलीवुड फॉर्मेट की फिल्मों के फैंस हैं तो हमें हॉलीवुड टाइप की फिल्मों से क्या लेना देना। तो अगर एक हॉलीवुड फिल्म द फॉरेस्ट गम का रीमेक बॉलीवुड के लिए आमिर खान बना देते हैं लाल सिंह चड्ढा के नाम से, तो फिर हमें कहना चाहिए आमिर खान को शुक्रिया, ना कि हम उनका बायकॉट करें। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज इन दिस 21st century, और अगर दो बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हॉलीवुड और बॉलीवुड आपस में हम आहंगी पैदा करते हुए एक दूसरे के रीमेक बना रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिविटी की अलामत है, अमन की अलामत है। इससे अंडरस्टैंडिंग कायम होगी, एक रिश्ता बनेगा, एक बुनियाद बनेगी। जिस दम बॉलीवुड फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शक्ल में हॉलीवुड फिल्म द फॉरेस्ट गम की अडेप्शन हुई, उसी टाइम एक हम आहंगी की बुनियाद भी पड़ चुकी थी। फिर इस खूबसूरत प्रोजेक्ट में डाली गई मजीद चाशनी, मतलब के बॉलीवुड म्यूजिक, इतने प्यारे धीमे धीमे खूबसूरत गाने, फिल्म की बेहतरीन मंजर निगारी, बेहतरीन प्रोडक्शन की अक्कासी करती है और उस पर सोने पर सुहागा के बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। जब फिल्म में लाल सिंह चड्ढा ने अपनी रूपा की मोहब्बत के लिए इंडिया भर में दौड़ लगाई, तो इससे उन्होंने इंडिया भर की टूरिज्म को भी खूब प्रमोट किया। लेकिन फाइनली जब लाल सिंह चड्ढा को उसकी मोहब्बत मिल जाती है, मगर अफसोस कि मौत की वादियों में जाने से पहले जब वो लाल सिंह चड्ढा का बेटा उसके हवाले करती है और उसको ये बताती है कि ये उसी का बेटा है, तो बस वही सीन, वही मासूमियत जो लाल सिंह
चड्ढा की थी वही इस फिल्म का एसेंस है और वो बेहतरीन सीन है आमिर खान की लाइफ में. इट इज़ वन ऑफ द सीन. डेफिनेटली उन्होंने ऐसी बहुत सारी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं मगर इस सीन में भी उनका जवाब नहीं. तो जनाब फिल्म हो चुकी है ख़त्म और आप देख रहे हैं कि मैं जा रही हूँ खुशी खुशी अपने घर. और हाँ गोलगप्पे बिल्कुल भूल कर. जी जनाब तो मैं फिर आऊँगी फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ. लेकिन आपको उन सब के लिए जुड़े रहना है मेरे साथ. तो टिल द नेक्स्ट वीडियो मा सलामा बाय बाय.